मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? इतना सुंदर लग रहा है यहाँ, देखिए सब सो रहे हैं, बस कुणाल भैया उठ गए। कुणाल भैया गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है धूप। गुड मॉर्निंग जी। मॉर्निंग मैंने सुबह ही कर दी। सुबह से भोजन पे लग गए, भूख लग रही है बहुत तेज। मादा आपको भी बहुत जोर की? गुप्ता जी आप बिल्कुल। अमजद भाई कहाँ रह गए? अमजद भाई आ रहे हैं, नहा रहे थे। चीनी, चीनी आ रही है, दही चीनी खाओ तुम। ठीक है भैया, ले आ दो जरा। ये देखो मादा भाई स्कूटी पे आते हुए, और हम लोग चलते हैं अभी। हमने ऑटो बुलाया है, हमारा ऑटो आने वाले हैं भैया। ये लोग जाएंगे स्कूटी पे। ओ गॉड, थक गए, प्यास लगने लगी, पानी। दोस्तों अब हम लोग वहाँ से निकल के जा रहे हैं, हाँ। थोड़ा मार्केट घूमने, क्योंकि मंदिर ना अभी थोड़ी देर, मंदिर 3 बजे कपाट खोलेंगे। और क्योंकि क्या है कि हम लोगों को यहाँ से निकलना है डायरेक्ट बुलंदशहर के लिए, और जिस काम से आए हैं वो भी काम पूरा करना है। तो अभी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से मंदिर भी दर्शन करने जाए, देशनोक में जो मंदिर है करणी माता का वहाँ पर। तो अभी सबसे पहले हम यहाँ से, क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा वक्त बचा है, अभी टाइम हो रहा है 1:30 बज रहे हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ से पहले जा रहे हैं एक बार जूनागढ़ फोर्ट, और जूनागढ़ फोर्ट एक बार विजिट कर लेते हैं, थोड़ा मार्केट एक बार देख घूम लेते हैं। गुप्ता जी नमस्कार नहीं करी तुमने आज? नमस्कार जी, सबको नमस्कार। हाँ ढंग से करो। दोस्तों हम लोग आ गए हैं सबसे पहले जूनागढ़ फोर्ट। मार्केट जाते जाते ऑटो वाले भैया ने बता दिया हमें कि जो है जूनागढ़ फोर्ट जाना, देखिए कितना सुंदर है यहाँ पे। ये पता नहीं क्या है, मैं नहीं जानता, पर ये है जूनागढ़ फोर्ट। मैं अब आपको फ्रंट कैमरे से और दिखाता हूँ। ये क्या बात हुई, फ्रंट कैमरे से शिवी दिखाई दे रही है। वेरी गुड शिवी। फ्रंट का है, बैक कैमरा। अरे वही यार, फ्रंट मेरे लिए वैसे फ्रंट हो गया ये। कोई बात नहीं, ये देखिए जूनागढ़ फोर्ट बाहर से। अब देखिए अब हम चलते हैं अंदर। आइए शिवी, ये एंट्री है भाई। ये कितने सुंदर है। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। ये यहाँ शादी हो रही है ऑफिशियल, मतलब मुझे लगा कोई अटायर कैरी कर रहे होंगे, बट इतना सुंदर लग रहा है ना सब यहाँ पे, कि बहुत खूबसूरत है, बहुत ही ज्यादा। ये देखिए पीछे कितने सुंदर क्लाउड्स लग रहे हैं। अब हमने जो है यहाँ से टिकट ले लिया है, 100 रुपये का इसका टिकट है जूनागढ़ फोर्ट का, 50 रुपये का म्यूजियम का अलग से है। तो अभी हमने जो लिया है वो केवल और केवल फोर्ट का लिया है। तो अब हम जो फोर्ट में जा रहे हैं, देखिए चेन वाली एंट्री, इन चेन से पार करके अंदर घुसना घुसना पड़ रहा है भाई। देखिए क्या खूबसूरत आर्किटेक्चर है, क्या खूबसूरत आर्किटेक्चर है। अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको घर बैठे हुए पूरा जूनागढ़ फोर्ट घुमाते हैं, जो भी मैक्सिमम चीज़ हम कैप्चर कर सकते हैं पूरी ही पूरी कैप्चर कर रहे हैं। कर्टेंस बहुत बढ़िया है, देखिए बिल्कुल चेन के, इन्हें पार करो। ये देखो क्या खूबसूरत है यार। यहाँ से एंटर कर रहे हैं, करण महल है जो कुछ है, महाराजा करण सिंह जी का कक्ष। ये है यहाँ पर अनूप महल, ये भी क्या है बेसिकली सारे इनके जो राजा हैं ये उनके अपने अपने व्यक्तिगत महल हैं जैसा मुझे लगता है, और जो गाइड साहब बता भी देते हैं। सुंदर गेट, क्या सुंदर आर्किटेक्चर। अच्छा ये सब चीज़ें मिल सकती हैं आपको राजस्थान में ही देखने के लिए। बड़ी ही सुंदर है भैया, बहुत ही सुंदर लिफ्ट आई है। अच्छा ये अच्छा इधर से फिर इधर, तो ये हम लिफ्ट से आएंगे, और ये पूरा काफी सुंदर है। ये सब लॉक डाउन से डोर खोल नहीं सकते हैं।
पर बहुत ही सुंदर है, देखिए यहाँ से व्यू, वाओ। तो कितना ही खूबसूरत बनाया हुआ है यहाँ सब। ये एक छोटा सा वे, ये देखिए कितनी खूबसूरत चीज है, तुलसी माँ का पेड़ मतलब बिल्कुल सेंटर में लगाया हुआ है ऐसे, देख रहे हैं यहाँ कितना खूबसूरत है भाई। छत हर जगह की देखो कितने सुंदर हैं, देखो दीवार कितनी सुंदर, क्या देखते होंगे भाई, खिड़की है तो खोलो मत सिर्फ। हाँ कुछ निकली आया, क्या निकली आया, सांप बेच चुका था, कोरोना वायरस अब तक है। बहुत बढ़िया देखो क्या यार, कितना सुंदर सुंदर है, मतलब हर जगह मेरे को यही बोलना पड़ रहा है कितना सुंदर है, दूसरा कोई शब्द ही नहीं है क्योंकि है इतना सुंदर। दोस्तों मुझे बहुत खूबसूरत चीज़ दिखी है, बहुत 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 ही सुंदर, अब दिखाती हूँ। ये देखिए हमारे भोले भंडारी, क्या खूबसूरत बनाया हुआ है सब। तो मैंने सारे बहुत सुंदर बताए पर इससे सुंदर मैंने नहीं देखा कुछ भी। कितनी हाइट पे जाकर के लेंटर और उसके ऊपर आप ये देखिए पत्थर के ऊपर, ये शायद धौलपुर पत्थर है, और इस पत्थर के ऊपर क्या खूबसूरत नक्काशी की गई है। दिस इज समथिंग वेरी 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 ब्यूटीफुल भाई, इससे सुंदर कुछ नहीं हो सकता, मतलब आप देखो यार बहुत सुंदर। ये तो गुप्ता जी अंग्रेजों की ड्रेस है, बैच अंग्रेजों की होगी ना, ये राजाओं के जमाने की, राजा महाराजाओं के जमाने का फर्नीचर मान लो, तभी का फर्नीचर है ये, पर ये अंग्रेजों का लग रहा है मेरे को वैसे, ये ऐसा लग रहा है कि गुप्ता जी ये कक्ष ही अंग्रेजों का लग रहा है, इन लोगों ने एक्वायर कर लिया होगा ना। हाँ मतलब कितना सुंदर बनाया हुआ है हर एक चीज, अब हम आ जाते हैं, ये हमारे को ना ये देखिए उनका एयरप्लेन, इनका पता नहीं क्या यूज होता होगा, वाह उनकी गद्दियाँ, प्लीज डू नॉट टच द एग्जिबिट्स। ये क्या होता है, स्टाइलर, ये लिफ्ट होती थी क्या, वाह ये कहाँ होगी लिफ्ट, फिर कहाँ लगी हुई होगी, बंद कर रखा होगा ये स्टाइलर कंपनी की लिफ्ट, आती टू कैरी 8 persons लिखा हुआ है वहाँ, काफी सुंदर है। और ये देखिए अच्छा, ये देखो भाई सुंदर है भाई, बहुत ज़्यादा सुंदर। तो जी कुछ ऐसा रहा हमारा जो जूनागढ़ फोर्ट का जो है विजिट, और आपको हमने सारी चीज़ें एक्सप्लोर कराई जितनी हम मैक्सिमम करा सकते थे, ठीक है ना जी। और बाकी अरे शिवी जी, शिवी जी आप अब बोलिए कुछ, अपनी बात रखिए। अब तो मुझे भूख लग रही है, और भाई यहाँ मुझे बहुत 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 ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। भाई भूख लग रही है अच्छी बात है, ये मत ना कह देना मुझसे एक महल चाहिए ऐसा, हाँ हाँ अपने घर को महल मानो, सही बात है ना गुप्ता जी, गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत नो डाउट। ठीक है साहब कैसा लगा ज़रूर बताइएगा प्लीज़ कमेंट्स में। जूनागढ़ फोर्ट से निकलने के बाद अब हम जा रहे हैं लोकल मार्केट, यहाँ पे सबसे बढ़िया सिस्टम मेरे को ये लगा कि आपको जो है, चलो चलो आप तो
अच्छा ये कुछ कह रहे हैं, यहाँ पे जो है ऑटो रिक्शा मिल जाता है जो कि रीजनेबल प्राइस में होता है, तो सबसे बढ़िया सवारी है उसमें बैठो अपना चल दो कहीं पे। हम लोग अब आ गए यहाँ पे कुछ खाने के लिए, यहाँ का फेमस है समोसा कचौड़ी समथिंग कुछ ऐसा, तो अब हम ये खाने आ गए यहाँ पे। हम खा रहे हैं यहाँ पे दही भल्ला और ये प्याज वगैरह की जो सूखी कचौड़ी है, बड़े दाल की कचौड़ी खा के देखो टेस्ट कैसा है। ले लिया कौर साहब लेके आ गए हैं समोसे और पनीर कोफ्ता। भैया हरी चटनी नहीं होती कहीं, आओ और जलेबी ना खाओ, ऐसे कैसा होता है। देसी घी की जलेबी, देसी घी की जलेबी तो ठीक है, पर यहाँ पे हम मार्केट जाते जाते में ही यहाँ पे रुके थे, ये शिव सागर रेस्टोरेंट है बीकानेर नमकीन भंडार, यहाँ पे खाई हमने दो तरह तरह की चीज़ें, मतलब यहाँ पे बनाया था पनीर कोफ्ता समोसे दही भल्ला, ये सारी चीज़ें खाई बहुत अच्छी थी और टेस्टी भी है, बीकानेर का स्वाद बढ़िया लगा। मैंने सोचा कि हमने तो खा लिया, भैया को अभी पूछ लेते हैं, तो उनको मैं जलेबी दे दी थोड़े से और अब उनको ये खाना है, पता नहीं क्या कहते हैं इसको, कुछ फेमस है यहाँ पे आलू और पनीर का। भैया लीजिए, गरम है थोड़ा तेज आराम से खाना, कुछ चाहिए तो नहीं, चटनी तो नहीं लाओ। भैया को तो मैंने दे दिया, उनको भी भूख लग रही होगी। तो जी मार्केट सर्व करके, मतलब मार्केट में बहुत ज़्यादा कुछ सर्व नहीं कर पाए, पर खाना वाना खा के यहाँ पे जो यहाँ के समोसे दाल कचौड़ी ये सब चीज़ें खा के अब हम जा रहे हैं वहाँ पे जहाँ जिस चीज़ जिस पर्पज़ के लिए हम लोग जो है मेनली बीकानेर आए हुए हैं। थैंक यू सो मच, आप सब इतना प्यार दे रहे हैं, उस सबका बहुत 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 थैंक यू। सो दिस वॉज द मोमेंट जिसके लिए जो है हम लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है। ओहो वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन अमजद भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू भाई, थैंक यू। अब चले भाई साहब घर, चलो 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 चलो, चलो, चलो। तो ये बिग डैडी ऑफ द एसयूवीज की चाबी लेते हुए, बिग डैडी तो बोलते हैं स्कॉर्पियो को, बहुत बढ़िया कॉन्ग्रेचुलेशन है जी हमारी तरफ से। फोटो खींचो, फोटो खींच देते हैं जी। दोस्तों हमने लिए नहीं गाड़ी तो ये हम लोग का प्लान था कि हम यहाँ से जाएंगे गाड़ी में, और यहाँ ना अभी क्या हुआ, गाड़ी में ना हल्की सी स्मेल आती है, नई गाड़ी वाली आती है, फिर यहाँ के जो भैया है ना इस पेट्रोल पंप पे, एक भैया थे कहाँ गए वो, चले गए, ये नहीं थे, यही थे शायद, यही थे शायद, तो उन भैया ने ना लाके एकदम से ना स्प्रे लेके आए, तो उन्होंने हमारी बात ना ओवरहर्ड कर ली थी, तो वो उन्होंने सुनी तो एकदम से लेके आया, मैंने आपकी बात सुनी थी ना इसलिए मैं ले आया, और भी मैंने कहा यार कितने अच्छे लोग हैं यहाँ के यहाँ के ऐसे लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत ही बढ़िया है, बट इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस हो गई ना पूरी गाड़ी में, मज़ा आ गया। दोस्तों अब हम आ गए हैं फाइनली श्री करणी माता मंदिर, जो कि पहुंचने ही वाले हैं। हम पता कंफ्यूज हो गए थे क्योंकि हमारे जहाँ से लोकेशन थी वहां से एक टेंपल और दिखा रहा था जो 15 मिनट दूर था, बट वो नहीं था, ये देशनोक वाला मेन टेंपल है। तो अब हम यहाँ आ गए हैं, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो यही है, तो हम चलते हैं अंदर। वाह जी वाह, नई गाड़ी लेके हम सब आ गए मंदिर, हम आ चुके हैं माता रानी के मंदिर, और जो है दौड़ा दिया चूहे ने, दौड़ा दिया अच्छा नहीं खाते पीते चूहे, पर ये बता रहे हैं यहाँ पे कि माता रानी के वंशज हैं, चूहे काटते नहीं है, और हमें पैर घिसटा के चल रहे हैं कुणाल, क्योंकि प्रसाद हमने ले लिया है। चलो जी, माँ करणी माता का मंदिर जो कि देशनोक में है, मेन मंदिर बड़ा मंदिर, अब हम इसमें एंट्री करने जा रहे हैं। सभी लोग जो है यहीं से हाथ मत्था टेक सकते हैं, हाथ जोड़ सकते हैं, और जो है कमेंट में जय माता दी लिखिएगा, इस वजह से कि जो है आपके कमेंट्स के जरिए आपकी भी हाजिरी लग जाएगी, यही मेरा जो है अथक प्रयास है कि जो है सभी लोगों का हाजिरी लग जाए। अगर हम कहीं पे अच्छी जगह जा रहे हैं तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि आप घर बैठे आप भी दर्शन करें, और क्योंकि हमारे सब सब्सक्राइबर हमारे परिवार है, तो मेरा जो है ये रहता है कि सभी लोग हमारे साथ साथ सभी लोग दर्शन करें। माता रानी के मंदिर में हम लोग बस एंट्री कर रहे हैं, जय माता दी जय माता रानी, कृपा करना सभी पे, सभी पे कृपा कीजिएगा। यहाँ पे मूषक राज काफ़ी हैं, तो जो है हमें भी किसी ने बताया था कि मतलब हमारी माँ ने बोला था कि पैर घिसटा के चलने होते हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि पैर जो है आराम आराम से चले, कोई भी मूषक राज नीचे नहीं आने चाहिए। देखिए
यहाँ पे वो है, भीड़ है काफी, ढेरों जो मूषक राज है, ढेरों अनेकों। जय माता दी, माता रानी कृपा करना, सभी पे कृपा करना, हे माँ रक्षा करना, हे माता रक्षा करना, कृपा करना सभी पे। जय माता दी, जय माता दी, माता दी, जय माता दी, जय माता दी। बिल्कुल गर्भगृह में अंदर अब आप देख सकते हैं पूरे मुशकराज 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 मुशकराज। जय माता दी, 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 जय माता दी। शिवी अच्छे दर्शन हुए माता रानी ने, जो तुम्हारी मांग में नहीं लगा मैं लगा देता हूँ। प्रभु रक्षा करना। यहाँ मान्यता है कि अगर किसी को सफेद मूषक दिख जाए तो बहुत शुभ माना जाता है। एक तो पूरा पैक कर दिया, यहाँ सारे मूषक ही मूषक है, पहले पैक नहीं था। देखिए कितने सुकून से सभी लोग जो है दुग्ध पान कर रहे हैं। देखिए हमने दर्शन कर लिए माता रानी के, और सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का जिन्होंने कमेंट्स में हमें ये गाइड किया था कि आप यहाँ पर दर्शन करना, उन सभी का हृदय से बारंबार आभार, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने हमें गाइड किया तो हम माता रानी के दर्शन करने आए, बहुत 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 पीसफुल लगा, बहुत अच्छा लगा, एंड रियली थैंक्स अ लॉट। आप लोग इतना अच्छा गाइड करते हैं, अपना प्यार इसी तरह बनाए रखें बस, थैंक यू सो मच। दोस्तों हम ले रहे हैं अपनी नई गाड़ी का मजा, और बहुत कंफर्टेबल है सच में गाड़ी, गाड़ी ही है स्कॉर्पियो है ना। हाँ जी हाँ, तो ये मतलब बहुत बहुत अमेजिंग गाड़ी है, और अब हम जा रहे हैं वापसी की ओर, और हमारे दर्शन हो गए इतने अच्छे, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू हमें बताने के लिए कि कहाँ जाना था, और वो फोर्ट भी अच्छा था, कौन सा था, जूनागढ़ फोर्ट ना, ये हमारे गुप्ता जी बेचारे पीछे बैठ गए जाके एकदम, भैया पीछे ये अमजद भाई, अमजद भाई आज व्लॉग में नहीं आए हो, माता भाई चलो जी ठीक है, वतन भाई भी आ जाए ठीक है जी, राधे राधे सभी को, और बीकानेर के लोग सच में बहुत बहुत अच्छे हैं आप सब लोग, मैं राजस्थान का कल्चर ही इतना अच्छा है ना, मिल पाई, हम जरूर दोबारा भी इन फ्यूचर प्लान करेंगे ट्रिप, क्योंकि बहुत एट रैंडम था तो हम कवर ही नहीं कर पाए, किसी को टाइम ही नहीं दे पाते अगर होता, क्योंकि हम खुद ही कंफ्यूज हो गए कि हमें कैसे कैसे क्या प्लान करना है, क्योंकि गाड़ी के चक्के में ना काफी चीजें इधर उधर हो गई थी, क्योंकि थोड़ा डिले हो गया था काफी चीजों में, तो इसलिए, और हम दोबारा आएंगे जरूर और सबके साथ आएंगे, इनफैक्ट मां रेडी के साथ भी। और दूसरा मैं आप सभी से आग्रह करूंगा, आप जो भी लोग हमारे यहाँ नोएडा दिल्ली जब भी आए, तो नोएडा दिल्ली से हमारा बुलंदशहर घर बहुत दूर नहीं है, हमें अच्छा लगेगा आइएगा, हम मिलेंगे सबसे, है ना शिवी जी, 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 सबसे बहुत अच्छा लगेगा, सब लोग आइएगा, स्वागत है आपका जी। तो अब हम निकल रही है, अभी रास्ता तो काफी बड़ा है, पर अब चलते हैं घर के ओर, प्रस्थान करते हैं, घर वालों को बता दिया ऑलरेडी, घर वाले सब बोल रहे थे कि जो है अब रुको, अब मत आओ एकदम, रुक जाओ, बट क्या है कि रात का सफर थोड़ा सा ठीक रहता है, ट्रैफिक वगैरह नहीं मिलता, तो अब निकलते हैं यहाँ से, चलते हैं बस ठीक है जी। दोस्तों अभी क्या हुआ, हम जब शोरूम पे थे ना, जब हम गाड़ी ले रहे थे नई, तो तब ना एक फैमिली मिली हमें, तो बहुत बहुत अच्छी फैमिली है वो, आंटी वगैरह सब, हम लोग की खूब बातें हुई, तो अभी पीछे से हम गाड़ी लेके निकले ना, तो हमें उनकी गाड़ी ना फॉलो कर रही थी, और हमें पता नहीं था कि वो किसकी गाड़ी है, तो ये लोग ना सब डर गए कि भाभी साथ में है और सारी चीज़ें, तो ऐसे ना बहुत घबराने लगे, तो कह लगे पुलिस को बोल देना, पुलिस का नंबर निकालो, तो इन्होंने ना जैसे ही जब कोई गाड़ी देखी हमें ऐसे पुलिस से, तो हमने वहाँ रोकी, तो हम भैया एकदम से ना गाड़ी लेके आ गए, फिर हमें दिखा कि अंकल ना रोक रहे थे कि तुम रुको 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 ज़रा चाय पीते हैं साथ में, और हम इतना घबरा ना, घबराने की बात नहीं, दरअसल में क्या है ना कि जब शिवी साथ में है या कोई फीमेल साथ में है तो थोड़ा सा एक वो रहता है, अगर लड़के लड़के साथ में दिक्कत नहीं होती, पर सबसे बड़ी सम्मान की बात क्या है कि वो वहाँ पे मिले, वो कह रहे कि हम ये पहचान गए कि तुम नई गाड़ी लेके निकले, तुम ही हो,
इन्होंने भी पीछा छोड़ा ही नहीं भाई साहब ने। और मैं आपको भी मिलवाता हूँ, ये बाबू जी हैं, देखिए सबको नमस्कार करो जी। ये बाबू जी हैं और ये माता जी हैं, ये बहन है, ये भाई। तो देखो मतलब जो है कितना जो है सबका प्रेम है राजस्थान में, कि इन्होंने गाड़ी पीछे लगा दी, कहीं ना जाने नहीं देना, रोक लो इन्हें। गाड़ी है ये इसलिए रुक गया, उन्होंने हमसे कुछ नहीं कहा और जीवन भर हमें टेंशन दे दी। मैं ना आता कभी इधर, और ये राजस्थान वाले ऐसे ही होते हैं। हां ये ही है, पुलिस होगी यहीं आगे, हम तो पता भी नहीं, पुलिस होगी यहीं है, अब कहां जाएंगे, अब तो माफी है, अब तो कैप्चर कर लिया। लेकिन गाड़ी में ऐसा डर का माहौल व्याप्त हो गया हमारी में, कोई तो कहे लग गई पीछे, माता बोले पुलिस का नंबर निकाल, भाई बोले रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, पुलिस की गाड़ी दिख गई आगे। मैं बोले इससे बात ये देख ले कितने हैं इसमें। ये देखिए ना, अरे बार बार आप लोग मुड़ के देख रहे थे, मैंने कहा तो देख और रहे फोन पे किसी से भाई बोले अभी बात करूंगा, सब अभी तुम रुको जरा, मैं 10 मिनट में कॉल करूंगा, फंस गए कैसा अच्छा बस है, गाड़ी पीछे लग चुकी है, वो साइड में दबा दे, इसका तो नंबर है गुजरात का, वो आरजे जी ने हो गया, आरजे वो टेंशन में हो गया, राजस्थान गुजरात अभी इतने हंस भी पा रहे हैं हम। हाँ। 10 मिनट पहले को गाड़ी में क्या स्थिति थी, हम गाड़ी में खाना नहीं खाते, नहीं खाते, केवल केवल शिवी की वजह से मैं बुलंदशहर पहुंच के खाना खाता, फिर कोई मत कब सब पीछे से गाड़ी आ जाए। देखो मैंने तो सोची अभी गाड़ी भी जाएगी, अब तो ऑटो फिर से कर लो भैया। इसे बोलते हैं शिवी असली प्रेम सच में, और ये भगवान जी ने मतलब कैसे मिला दिया। माता रानी के लिए फिर यहाँ पे आप शादी करो, बढ़िया से एंजॉय करो, आप आओगे तो और ज्यादा होगा, तो फिर वहीं होगे या कहाँ। बस अब निकलते हैं, ठीक है सर, थैंक यू सो मच, आपने इतना प्रेम दिया उसके लिए, बस शब्द नहीं है जी हमारे पास, ठीक है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैन, ओके भाई, साथ में चले गए, बिल्कुल डन है, बाय जल्दी, बाय जी बाय, चलो जी, चलो माधव भाई, मतलब अब आप ये देखिए कि कितने अच्छे अच्छे लोग हैं इस संसार में, कि उन्होंने हमारी गाड़ी का पीछा करके जो हमें गाड़ी रोक के और खाना खिलवाया, शब्द नहीं है सीरियसली। और अब भी आप यकीन मानिए, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, उनकी गाड़ी आगे चल रही है और उनका कहना ये है कि अरे पहले घर चलोगे ना, वो हमें जानते ना हमें पहचानते ना हमारा कोई लेना उनसे ना कोई देना कुछ नहीं, उसके बाद वो कह रहे हैं घर चलोगे, हमने उनसे रिक्वेस्ट करी है क्योंकि फैमिली साथ में, हमें जाना है काफ़ी दूर, तब वो जा करके माने, उन्होंने फोर्स नहीं करा, बेटी की शादी है, वो कह रहे हैं कि ज़रूर आना है अप्रैल में, मैं पूरी कोशिश करूँगा अप्रैल में, मैं ज़रूर पहुँचूँगा, मैं शिवी दोनों ज़रूर पहुँचेंगे शादी में। सेकेंड थिंग, दूसरी बात कि जो है मैं क्या कह रहा था, हाँ कि अब वो ये कह रहे हैं कि 21 किलोमीटर तक तो हमें आगे जाना है, तो कह रहे हैं हम आगे चलेंगे आप पीछे चलो, कहते हैं फिर कहते हैं और कह रहे हैं 8 किलोमीटर आना जाना होगा, अब सीधे घर चल रहे हैं, तो कह रहे हैं 4 किलोमीटर जाना है, 4 किलोमीटर आना है, कह रहे पीछे वो बोलने लगे तो ज्यादा। और हाँ ये चीज मैं बताना भूल गया, मैं क्योंकि भाई सबने खाना खाया तो मैं जा करके पेमेंट दे आया, तो उन्होंने आकर के झगड़ा कर दिया, पेमेंट पहले तो मेरा एज इट इज, जो मेरे नोट थे वो एज इट इज वो वापस करवाए, जो वहाँ पे मैनेजर साहब थे जिनका वो ओनर था, जो ओनर थे उस होटल के, उन्होंने पहले तो मेरा पेमेंट ही नहीं रखा, मैंने रिक्वेस्ट करी उन्होंने रख भी लिया, तो एज इट इज वो ही नोट निकाल करके मेरे हाथ में पकड़ा दिए, कह रहे लो भैया आपका पेमेंट, उन्होंने पैसे अलग रख रखे थे, वो एज इट इज वापस दे दिए कि भैया ये तुम्हारे पैसे। मैं सच में मतलब इंसानियत देखो आपके जो है प्यार है,
मतलब। और ये संजोग भी देखिए कैसा मिला कि इतनी देर हम लोग मंदिर भी हुआ है, वो भी पता है गार्डन इनके लिए दूसरा बीकानेर के बिल्कुल कोने में थे, कह रहे वहां में इतना टाइम लगा, गाड़ी वगैरह उन्होंने ले भी ली, सब चीज हो गई, उसके बाद यहाँ जाके एकदम से ऐसे हम मिले, बताइए। बहुत अच्छा लगा, सच में बहुत अच्छा लगा। लव यू राजस्थान, बहुत बहुत मतलब राजस्थान के लोग कितने मतलब अच्छे हैं भाई, मेरा तो दिल जीत लिया, मतलब मैं कुछ खाना भी बहुत मतलब अच्छा, हम बहुत, तो बहुत खाना बहुत अच्छा, उनका भाव देखो ना कितना अच्छा, उनका भाव इतना अच्छा, तभी तो शिवी सारी चीजें अच्छी का ना, और जब प्यार में सब लोग खा रहे होते हैं ना तो और ही। फिर मैंने शिवी ने दोनों ने माधव ने हम सभी ने उनके चरण लिए भाई, उनको प्रणाम करा, क्योंकि अंकल हैं उनके दोनों, उनकी बेटी की बेटे की दोनों की शादी है, हमारे बड़े हैं, हमने चरण स्पर्श करे, अपने आशीर्वाद लिया, भैया की भी तय कर दिया, तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। अगर आप इस व्लॉग को देख रहे हैं तो आप कमेंट जरूर करना, क्योंकि मैं उसको पिन जरूर करूंगा कि आप हैं वो जिनकी वजह से जिन्होंने आपने हमें इतना प्यार दिया। थैंक यू सो मच। मिलेंगे तो शादी, शादी का पक्का है जी, डन है, शादी में पक्का। यहाँ से 4 किलोमीटर है अपना गांव जी। अब चल रहे हैं जी हम, अब आप भी पहुंचिए, हम भी चल रहे हैं। यहाँ से 2 किलोमीटर है जी, अपना यहाँ से जाना, आप तो निकलेंगे, लेट हो रहे हैं जी। ठीक है जी, ठीक है दोस्तों, फाइनली हम घर पहुंचने वाले हैं, हम और थोड़ी ही दूर रह गए बुलंदशहर, मैं तो पीछे आ गई, 11 घंटे की ड्राइव हो गई है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मतलब अच्छा हुआ कि हम लोग आ भी गए, ऑल ऑफ अ सडन हमारा प्लान बन गया, क्योंकि वरना हमजद भैया और माधव भी यही अकेले आ रहे थे, तो दो लोगों में तो इतनी लंबी जर्नी करना ना तो बहुत हार्टेक हो जाता, क्योंकि ट्रेवल नहीं कर पाता है, इतने में थकान होती है, ऊपर से सपोर्ट नहीं मिलता। अब यहाँ पर तो 3 जनों ने चला ली भी गाड़ी, तो इस वजह से सब लोग ने धीरे धीरे कवर भी कर लिया, और अब मैं तो भाई नींद ले रही थी, थोड़ी देर में आगे बैठ रही, मैं पीछे आके लेट गई थी, सो गई थी आराम से, और बहुत कंफर्टेबल सीट है भाई इस गाड़ी की, मज़ा ही आ गया। और हम पहुंचने वाले हैं घर अपने बुलंदशहर, फिर वहाँ जाके सोएंगे, क्योंकि सब थके हुए हैं, नींद नहीं पूरी हुई है किसी की भी, बट अच्छा रहा ट्रिप, मतलब अनप्लान ट्रिप सच में ही वाकई में बहुत अच्छे होते हैं, ये बहुत अच्छा रहा, मतलब एक दिन का एक ही दिन मानो, एक दिन में भी ऐसा था कि हमने बढ़िया घूम लिया, क्योंकि हम 2 दिन में ना पूरा घूम नहीं पाए, मतलब ऐसा होता है ना कि पूरा 2 दिन मिल जाते तो भी हम ऐसा उतना नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमने एक ही दिन में बहुत चीज़ें अच्छा कर लिया, काफ़ी अच्छा घूमा। दोबारा कभी ज़रूर आएंगे हम दोस्तों, फिर मिलेंगे आप सभी लोगों से। दोस्तों फाइनली हम आ गए घर, वाह जी वाह, गुड मॉर्निंग हो जाओ सब, उठ जाओ, हमारे बंदर देखो कैसे सो रहे हैं, माँ आ गई, पता ही था माँ नींद में, नींद में है ना माँ, ठंड लग रही होगी माँ को, देखियो बंदर कैसे सो रहे हैं, शिवी देखियो, देखिए देखते हैं ब्लू शेक मेरा बेटी, हाय मेरा बच्चा, मेरा कबूतर, अच्छा 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 छो 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 छो, लो 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 काट कर ना उसे सिंचातेगा, हाँ हाँ बच्चा पकड़ना चलो, आ जाओ लाओ जी, दिखाओ जी, अब मैं भाई ये नहीं समझ पा रहा तुम गुड मॉर्निंग कहोगे गुड नाइट कहोगे, सबसे हम तो बोलने गए थे ना गुड मॉर्निंग भी, और अब थोड़ी देर में सोने जाएंगे उसके लिए शुभ रात्रि, ठीक है जी। और दोस्तों बढ़िया मजा है, ख्याल रखिए, और बीकानेर के लोगों बहुत अच्छे हो, ठीक है मजा ही आ गया, आपने तो बहुत बढ़िया ट्रिप करा दी दोस्तों, थैंक यू, और बहुत बहुत मजा आया, जल्दी ही आएंगे हम दोबारा।